अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। Hey guys, welcome to the Ultimate Channel. मेरा नाम है आदित्य और हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको 5 ऐसे प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड्स के बारे में बताएंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। दोस्तों, इस लिस्ट में हमने 5th नंबर पे रखा है जापानीज अकीता को। जापानीज अकीता को जापान के टेम्पल्स को गार्ड करने के लिए यूज किया जाता था और इनको हंटिंग के लिए भी यूज किया जाता था, जंगली बोर और हिरनों जैसे जानवरों का शिकार करने के लिए। ये अपने फैमिली के लिए काफी लॉयल होते हैं, लेकिन इनमें जो मेल्स होते हैं वो थोड़े अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन इनमें जो फीमेल्स होते हैं वो मेल्स के मुकाबले फैमिली के साथ ज्यादा घुल मिल के रहना पसंद करते हैं। लेकिन इनमें मेल हो या फीमेल, ये हर कीमत में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको बचपन से ही सीरियस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ताकि ये सबके साथ इजीली घुल मिल सके। इस लिस्ट में 4th नंबर पे हमने रखा है जायंट श्नाउजर को। ये डॉग ब्रीड के बारे में लोग इंडिया में बहुत कम जानते हैं, लेकिन यूरोप साइड में ये काफी पॉपुलर है। जायंट श्नाउजर को अमेरिकन कैनिन क्लब ने वन ऑफ द बेस्ट गार्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग डॉग ब्रीड्स में से एक बताया है। इनका साइज एक अडल्ट जर्मन शेपर्ड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव तो होते ही है, लेकिन उसी के साथ ये काफी इंटेलिजेंट भी है। इस लिस्ट में 3rd नंबर पर है डॉबरमैन पिंचर। दोस्तों, डॉबरमैन पिंचर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि अपने ओनर के लिए कितने लॉयल होते हैं और कितने अच्छे गार्ड डॉग होते हैं। डॉबरमैन की ब्रीड को बनाने के लिए बे मार्नर, रॉटवाइलर और जर्मन शेपर्ड जैसी डॉग ब्रीड का भी यूज किया गया था, और ये डॉग ब्रीड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। डॉबरमैन खासकर अपने ओनर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और अपनी फैमिली के लिए भी वो काफी लॉयल होते हैं। इस लिस्ट में हमने 2nd नंबर पे रखा है बेल्जियन मैलिनॉइस को। दोस्तों, बेल्जियन मैलिनॉइस आपको आम लोगों के घर में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ये आपको ज्यादातर मिलिट्री और पुलिस यूनिट्स के पास देखने को मिलेंगे, और पुलिस और मिलिट्री में इनको बॉम्ब स्निफिंग और दूसरे टाइप्स के कामों के लिए भी यूज किया जाता है। वैसे तो ये हर्डर्स होते हैं, यानी कि हर्डिंग डॉग्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं, और अगर इनकी फैमिली मुसीबत में हो तो उनको बचाने के लिए ये अपनी जान देने को भी तैयार रहते हैं। इस लिस्ट में 1st नंबर पर है वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स में से एक जर्मन शेपर्ड। दोस्तों, जर्मन शेपर्ड नेचुरल गार्ड डॉग्स होते हैं। इनको हर्डिंग और ट्रैकिंग जैसे काम करने के लिए ही ब्रीड किया गया था। जिनके पास जर्मन शेपर्ड है वो ये बात जानते होंगे कि उनका जर्मन शेपर्ड अपनी फैमिली के लिए कितना प्रोटेक्टिव और लॉयल है। जर्मन शेपर्ड कभी कभार अपनी फैमिली के लिए ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं, जिससे वो हर स्ट्रेंजर पे चिल्लाने लगते हैं, जिससे बचने के लिए आपको इन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है जो इतनी आसान नहीं होती। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हुआ। हम आपके लिए जल्द ही डॉग ट्रेनिंग की वीडियोस लाने वाले हैं, जो कि कुछ बेसिक होंगी और धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को, नीचे कमेंट करिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।